चैतन्य मनोष्टेन भूतले ददाति सुपदान्तिकम् वंदेहम श्रीगुरसिजित पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण पादानि सहगण ललिता शिविशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनवंतो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य वादि पाश्चात्य देश तारिणे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरुदेव और समस्त वरिष्ठ वैष्णव गण गुरु आचार्य वर्ग के चरणों में मैं अहित की कृपा की वांछा करके कृपा विज्ञा करके आज का जो सत्र है भगवद गीता का पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारे श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं भगवद गीता का पाठ को श्रवण करने के महत्व उद्देश्य से, तो उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनका भी सभी का क्लास में आज स्वागत है। तो आज बहुत ही अत्यंत पवित्र तिथि है हमारे जो गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है इसमें सर्वोच्च तिथि आज एक पवित्र तिथि है। आज है श्री 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 राधाष्टमी। तो श्री राधा रानी जो कि परम करुणामयी है उनका आज प्राकट्य उत्सव है। तो आज के दिन हम ये जो सुबह सुबह ही प्रातः काल में हम ये भगवद गीता का पाठ करने जा रहे हैं, तो सब सबको मैं ये पाठ में गंभीरता पूर्वक श्रवण करने का मैं निवेदन करता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो कल तो हमारा हो गया था 4.11। तो हमारे प्रिय पंकज नाम प्रभु कल 7 तक कर दिए थे। हरे कृष्ण 4.11 तक हो गया था। तो हम आज 4.12 से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज जैसे कि आज श्रीमती राधा रानी जी का प्राकट्य उत्सव है, तो हम ये क्लास में हम ये अच्छा जो हम इधर सभी जो श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, तो उनका जैसे राधा रानी का आज प्रकट है, तो हम करुणामयी राधा रानी जी का थोड़ा सा वंदना गाएंगे, क्योंकि उसके बिना ये क्लास अधूरा रहेगा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है, हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं भगवद गीता का अमृतमय ज्ञान आस्वादन करने के लिए। तो इस पवित्र तिथि को आज हम यहीं से शुरू करते हैं कि हम श्रीमती राधा रानी करुणामयी उनका प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। तो सब अगर मेरे साथ अगर आप रिपीट कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो मैं बोलता हूँ आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। श्री राधिका प्रणाम मंत्र। राधां राशेश्वरीं रम्यां
गोविंद मोहिनी परां वृषभानु सुतां देवी नमामि श्री हरि प्रियां राधां रासे सुरीं रम्यां गोविंद मोहिनी परां वृषभानु सुतां देवी नमामि श्री हरि प्रियां महाभाग स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं महाभाग स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। बहुत ही सुंदर पद है, आप इसको अगर आस्वादन कर पाए, इसको मेमोरी में रख पाए और इसको हर दिन अगर आप प्रणाम करें, एक मंत्र गाए, तो आप अशेष अशेष कृपा लाभ करेंगे। तो जैसा कि जो हम जैसे हमारा डेली जो है हम ये करते हैं मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें तो उनका जो प्रणाम मंत्र और बहुत सारे प्रणाम मंत्र हैं, वो साधु आचार्य गुरुवर्ग ने बहुत सारे प्रणाम मंत्र लिखे हैं उसके प्रिय भक्तों ने। तो ये जो प्रणाम मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय, ये तो मंगलाचरण में आते हैं, हम हर दिन इसको गाते हैं। तो ये वाला एक प्रणाम मंत्र है, तो उनका सिर्फ राधा रानी को प्रणाम करने से ये अधूरा रहता है, तो राधा रानी कभी अकेली नहीं आती है, जैसे आते हैं उनके अष्ट सखी गण जो है उनके साथ हमेशा रहती है, तो उनको भी हम आज के दिन वंदना करेंगे। तो ये अष्ट सखी प्रणाम मंत्र हरे कृष्ण, सब ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। ललिता च विशाखा च चित्रा च चंपक वल्लिका ललिता च विशाखा च चित्रा च चंपक वल्लिका रंग देवी सुदेवी च तुंग बिंदे दुरेखिका रंग देवी सुदेवी च तुंग बिंदेन्दुरेखिका एताभ्यो अष्ट सखीभ्यश्च सततञ्च नमो नमः तथापि मम सर्वस्व ललिता सर्ववंदिता एताभ्यो अष्ट सखीभ्यश्च सततञ्च नमो नमः तथापि मम सर्वस्व ललिता सर्ववंदिता। तो प्रणाम मंत्र अष्ट सखी उनकी वंदना भी हमने गा ली, उनको भी हमने आज के इस सत्र में ये हमारा जो साधु संग सत्संग हो रहा है इसके सभी की तरफ से मैं श्रीमती राधा रानी और अष्ट सखी के चरणों में हमारे जो श्रद्धालु इतर उपस्थित हुए हैं सबकी तरफ से उनके चरणों में हमारे वंदना पुष्प हम अर्पण करते हैं। तो जो वैष्णव सॉन्ग है हमारे जो प्रिय आचार्य रहे हैं गुरुवर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने हमको बहुत ही करुण भाव से, प्रिय भक्त हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, उनके ग्लोरी से आप सुनेंगे बड़े बड़े साधु आचार्यों के मुख से। तो उन्होंने बहुत ही राधिका चरण रेणु एक वैष्णव सॉन्ग लिखा है। तो ये वैष्णव सॉन्ग के बिना जो जैसे हमारे शास्त्र हो गए और ये हमारे साधु गुरु आचार्य जो सब वंदना लिखे हैं भक्तिनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर लोचन दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज, इनके जो वंदना है इनको गाए बिना किसी का भी भक्ति जीवन सफल नहीं हो सकता, ये भक्ति जीवन अधूरा है। और यहीं से ही जो भक्ति का जो सार है, जो शास्त्रों का सार उन्होंने अध्ययन किया है, उनका जो अध्ययन का सार है वो इसी वंदना में रखते हैं। तो ये वंदना को हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारे और हृदय के अंतकरण में बहुत 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 शुद्धि होती है और हमारा भाव निर्मल होता है। तो चलिए हम फिर से श्री राधा रानी जी का वंदना गाएंगे। ये तो प्रणाम मंत्र हम गाए, अभी वंदना गाएंगे, तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सभी लोग सुने होंगे। राधे जय जय माधव दईते राधे जय जय माधव दईते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते दामोदर रति वर्धन बेसे दामोदर रति वर्धन बेसे
हरी निस्कुट वृंदा विपिने से, हरी निस्कुट वृंदा विपिने से। वृषभानुदा दीन बससि लेखे, वृषभानुदा दीन बससि लेखे। ललिता सखी गुणरमित विशाखे, ललिता सखी गुणरमित विशाखे। करुणा करमई करुणा भरी ते, करुणा करमई करुणा भरी ते। सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। हरे कृष्ण, ये बहुत ही कमनीय वंदना है, जो कि जब हमारे गुरु आचार्य जब गाते हैं, तो आप कोई भी क्लास में आप सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा। मतलब भक्ति भाव जो है, आप वही मिनट के लिए जब सुन रहे हैं, जो क्षण आप सुन रहे हैं उनके शुद्ध मुख से, उनके पद्म मुख से, तो आपको बहुत अत्यंत, आप कोई भी कोई स्थिति में हो, अगर ये सुनेगा तो हृदय निर्मल होना ही होना है वही क्षण में। वो कुछ सोच नहीं पाएगा। लेकिन मेरा तो गला ठीक नहीं, कर्कश है, तो फिर भी मैं कोशिश करके, अब जैसे मुझे पंकज प्रभु ने सेवा दिया है, तो मैं उसको स्वीकार करके ये कर रहा हूँ। तो अभी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का भजन गाएंगे, श्री राधिका चरण रेणु। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायस पावे गिरधारी। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायस पावे गिरधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय। तारे मुई जाऊ बलिहारी। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायस पावे गिरधारी। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासे निधि। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासे निधि। हे न राधा गुण गान, ना सुनिल मोर कान, वंचित करिल मोर विधि। हे न राधा गुण गान, ना सुनिल मोर कान, वंचित करिल मोर विधि। तार भक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा, जे न करे से पाए घन श्याम। तार भक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा, जे न करे से पाए घन श्याम। इहाते विमुख जेई तार कभु सिद्धि नाही, नाही जे न सुनी तार नाम। इहाते विमुख जेई तार कभु सिद्धि नाही, नाही जे न सुनी तार नाम। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपे कहिनु कथा घुचाओ मनर व्यथा, दुःखमय अन्य कथा द्वंद। संक्षेपे कहिनु कथा घुचाओ मन मनेर व्यथा, दुःखमय अन्य कथा द्वंद। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायसे पावे गिरधारी। अनायसे पावे गिरधारी। श्री कृष्ण
से राधिका चरण रेणु। तो यहाँ पर भक्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर, देखिए सारे शास्त्रों का जो सार है, जो जो कि साधक है जो भक्ति भजन करना शुरू किया है, तो उसके लिए पूरा विधि को इधर रख रहे हैं कि अगर राधिका चरण बिना, अगर आप राधिका श्री राधिका के चरण रेणु को आप आश्रय करते हैं और उसको आप भूषण करते हैं, तो उन चरण धूलि अगर आपको मिलता है, आप उसको अपने मस्तक में लगाने का सौभाग्य मिलता है, तो अनायसे पावे गिरिधारी, तो फिर कृष्ण तो आपके हो गए। तो यही भाव है उनका, नरोत्तम दास ठाकुर। तो फिर एक भक्तिनाथ ठाकुर जी का, तो ये तो उनको थोड़ा हम गाएंगे। तो बहुत सारे हैं, तो समय हमारा ये 32 हो गया है। तो बहुत ही हृदय स्पर्शी भजन है जो कि भक्तिनाथ ठाकुर से लिखा हुआ है। तो अगर हम राधा रानी का भजन में हमारा अगर मति नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, तो इधर भक्तिनाथ ठाकुर उसका एक्सप्लेनेशन दे रही। राधा भजन जति मति नाही भेला, कृष्ण भजन तेबे अकारणी गेला। आत पर हित सुरज नाही जानी, राधा विरह तो माधव नाही मानी। केवल माधव पूजाए से अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। कबहि नाही करिबी तांकर संग, चित्ते इच्छा सी जदि ब्रजर सरंग। राधिका दासी जदि हय अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल कान। ब्रह्मा शिव नारद स्तुति नारायणी, राधिका पद रज पूजय मानी। उमा रम्या सत्या सती रुक्मिणी, राधा अवतार सभी अमनायमाणी। एन राधा परिचर्या जाकर धन, भक्ति विनोद तारो मागे चरण। अगर आप राधा रानी का भजन में आपका मति नहीं हुआ, तो आप अगर कृष्ण का जितना भी भजन किए वो सब बेकार हो जाएगा। अगर ये देखिए, ये सिद्धांत है जो कि भक्तिनाथ ठाकुर इधर हमें इसके भजन के माध्यम से सारे साधकों के लिए, आने आने वाला पीढ़ी के लिए, हमारे लिए ये बहुत संतक ये जो है ये रख गए हैं। तो हम इसको आस्वादन करेंगे। आज पवित्र दिन है, तो हम श्री राधा रानी का वैष्णव, शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्यों के द्वारा जो लिखा गया जो भजन है, हम उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो अभी एक दूसरा लेंगे उसी क्रम में, जैसे कि इसमें से सारे सिद्धांत निकल कर आ रहे हैं। देखिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने सिद्धांत दिया, भक्तिनाथ ठाकुर ने सिद्धांत दिया, तो राधा रानी जी का महिमा जो है इधर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो उनका महिमा को आगे बढ़ाते हुए महिमा गान को हम इधर ये दूसरा तीसरा भजन लेंगे भक्तिनाथ ठाकुर के अमृतवाणी से, अमृत लेखनी से। वृषभानुसुता चरण सेवने होई बजे पाल्य दासी, श्री राधार सुख सतत साधने होई ब आमी प्रयासी। वृषभानुसुता चरण सेवने होई बजे पाल्य दासी, श्री राधार सुख सतत साधने होई ब आमी प्रयासी। श्री राधार सुखे कृष्ण रे जे सुख जानिबे मनते आमी, राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संगमे कभु ना होई बकामी। सखी गण मम परम सुहृत जुगल प्रेमर गुरु, तदनुगा हए सेवि ब राधार चरण कल्पतरु। सखी गण मम परम सुहृत जुगल प्रेमर गुरु, तदनुगा हए सेवि ब राधार चरण कल्पतरु। राधा पक्ष छाड़ी जे जन से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कभु नाही हरि ताके, कभु नाही हेरि ताके। राधा पद छाड़ी जे जन से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कभु नाही हेरि ताके। हरि बोल कृष्ण। तो यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर ये जो उनका जो भजन है, तो ये एक एक भजन जो है उनका, एक एक शब्द जो है अमृत शब्द है। तो उनका अगर व्याख्या आप शुद्ध गुरु आचार्य के मुख से सुनेंगे तो आपका कृत्य कृत्य आपको लगेगा। तो यहाँ पे पूछे कि हम पाल्य दासी है, उनका चरण सेवा करना चाहते हैं, अगर कि कोई मान भक्त उनका जो राधा रानी जी का चरण का और उनका जो महिमा है उनको अगर कोई नहीं जान पाया, तो उनका जो कृष्ण भजन है जो भी वो कर रहा है उसका जीवन अनव्यर्थ गया।
वो जुगल और उनके जो राधा रानी के जो सखी गण हैं वो जुगल प्रेम के गुरु हैं, वही हमारे श्रुत हैं। तो देखिए राधा रानी के जो सखी गण हैं वही मंजरी हैं, तो वही लोग ही गुरु आचार्यों के रूप से हम प्रकट हुए हैं, तो कोई अलग नहीं है। तो श्री कृष्ण जी के निज जन वही है। तो जैसे बोला कि नयन मंजरी से रूप गोस्वामी, वो सारे जो है वो जो जैसे अष्ट सखी का हमने वंदना किया ना, तो उनके तो बहुत बहुत गोपियां हैं, बहुत बहुत सखियां हैं। तो सारे गोपी गण ही हमारे गुरु आचार्य के भक्त से वर्ग के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन वही भगवान के बारे में कौन बता पाएगा, तो कौन बता पाएंगे, तो वही बता पाएंगे ना जो उनके साथ नित्य संबंध में है। जैसे हम गाते हैं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य, तो नित्य लीला में वो प्रविष्ट हैं, तो नित्य लीला से वो यहाँ आते हैं। तो भगवान का नाम प्रचार हेतु, जो वाणी प्रचार हेतु, अधम जो पतित जीवों के उद्धार के लिए आते हैं, वो नित्य लीला में ही है। तो ये जब यहाँ आते हैं तो उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर तो यही जो सखी गण है वही श्रुत हैं। तो सखी गण मम परम श्रुत जुगल प्रेमर गुरु। तो राधा कृष्ण जी का जो जुगल जो जो प्रेम है, जो हम उनके साथ जो संबंध हमारा खोया, हम जो भूल गए हैं, तो उन संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए यही तो आते हैं। तो जो राधा रानी के सखी गण जो हैं वही परम श्रुत, वही श्रुत है हमारे, परम परम श्रुत वही है। तो वही आते हैं, तो वही सदगुरु के रूप में आते हैं। तो उन तो जो जुगल जो आराधना है, जुगल मूर्ति की जो आराधना है, जैसे प्रभुपाद हमें राधा जितने 108 जो मंदिर बनाए, अभी भी जितने सारे मंदिर हैं, तो राधा दामोदर, राधा गिरधर, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, तो ये जो सारे जो विग्रह जो भगवान का जो रूप हमको वो देकर गए हैं, तो ये सबकी जो आराधना वो सिखा कर गए हैं। तो कौन है वो राधा रानी की सखी गण ही है। तो ये तो और भी बहुत सारे हैं, अभी तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमने ये जैसे हमको ये श्लोक भी थोड़ा आज करना है, तो हमने राधा ये जो उनका प्रकट दिवस था, तो हम थोड़ा सा जो वैष्णव की कृपा से उनके रचित जो पुण्य शब्द हैं, दिव्य शब्द हैं, उनको हम गाए और सुने और भजन किए, और उनका अहित की कृपा की हम यहाँ पर वांछा करते हैं। फिर हम इधर टॉपिक जो है आज का, तो दिव्य ज्ञान योग चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय 12वां श्लोक, तो उसको हम अभी शुरू करेंगे। श्री राधा रानी सरकार की जय। तो जो जो 12 जो श्लोक है, तो इसका 4.12 हम इसका अभी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। कांक्षतः डिजायरिंग, काम कामनाम और फ्रूटिव एक्टिविटीज, सिद्धिं परफेक्शन, यजन्ते द वर्शिप बाय सैक्रिफाइस इह इन द मेटेरियल वर्ल्ड, देवता द डेमी गॉड्स क्षिप्रम वेरी क्विकली ही सडनली मानुसे इन ह्यूमन सोसाइटी लोके विद इन दिस वर्ल्ड सिद्धि सक्सेस भवती कम्स कर्मजा फ्रॉम फ्रूटिव वर्क। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद महाराज। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. Translation. Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. Purport by Srila Prabhupada Maharaj. There is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different forms of gods, but they are gods' different parts and parcels. God is one, and the parts and parcels are many. The Veda says Nitya Nityanam, God is one, Ishwara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakaran Karani. The Supreme God is one. Krishna and the demigods are delegated with powers to manage this material world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme God, Narayana.
Vishnu or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or Pasandi. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva, Shiva Virenchi Nutam. Yet, curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism, okay, or zoomorphism. Okay. Iha Devata denotes a powerful man of or demigod of this material world. But Narayana, Vishnu or Krishna, the supreme personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Shankaracharya, the leader of the impersonalists, maintains that Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people, Krita Jnana, worship the demigods because they want immediate results. They get the results but do not know that the results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness and he has no need to worship the partly demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with the annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material world and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things such as the material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful men in human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he achieved a great boon. All of them are therefore kowtowing to the so-called leaders or big guns. In order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things, such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hardship of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get a little facility for sense enjoyment, they are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. Srila Prabhupada Maharaj. Hare Krishna. Hum yahan par चौथा देखा जो बारस को कम ये पढ़े प्रभुपाद महाराज जी का पर्पट भी पढ़े। देखिये यहाँ पर ऐसे ही शुरू होता है कि ये जो टॉपिक था इलेवेंथ तक जो शुरू से जो टॉपिक था वो एक सेक्शन है, तो यहाँ पर भगवान टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर कर्म और ये सब के बारे में आगे आएगा। तो वो टॉपिक इलेवेंथ तक एक ही मतलब रिलेटेड सभी था, ये ट्वेल्थ से फिर एक शुरू होगा। फिर कांक्षता कर्मणा सिद्धि जदंत यह देवता। तो देखिए ये जो मैं एक मैटेरियल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो सब्जेक्ट भगवान इधर बोल रहे हैं, ये पहले भी बोल थोड़ा सा हिंट्स दे चुके हैं, फिर थर्ड में, तो इधर भी दे रहे हैं, फिर सेवेंथ में देंगे, फिर नाइन्थ में देंगे। ये चैप्टर जो है, देखिए अगर कोई मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसका जो आप जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसका भी एप्लीकेशन आएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका भी एप्लीकेशन आएगा। तो ये वाला ये ऐसा ही एक है, जैसे जो गुण वाला है, जो त्रिगुण, ये गुण वाला भी ऐसा ही है, वो भी मैथमेटिक्स जैसा ही है, मतलब उसका एप्लीकेशन आप जो भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो अन्य देवता मतलब जो डेमीगॉड्स को क्यों वर्शिप करते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में भगवान इधर पूरा भगवद गीता जो नहीं पढ़ेंगे, ये जो श्लोक है और इसके बारे में यही रिलेटेड बहुत सारे श्लोक हैं जो कि पूरा क्लैरिटी देते हैं। और मैं भी बता दूं कि आई एम द विक्टिम ऑफ दिस श्लोक एंड दिस रिलेटेड श्लोकस, क्योंकि मैं पहले मेरा अनुभूति से बताता हूँ कि मैं पहले भी बहुत सारे मतलब मेरा सब डेट के हिसाब से फिक्स था। मंडे में शिव जी के जाता था, शिव जी के रोज आता था, ट्यूजडे के मंगला माँ के मंदिर में जाता था, फिर सिर्फ वेडनेसडे ही फ्री था मेरा,
फर्स्ट डे को हमारे यहाँ पर चंडी मंदिर है कटक में, बहुत ही माँ करुणामयी है, तो उनके पास जाता था। फिर फ्राइडे को संतोषी माँ के मंदिर में जाता था। ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो इवेंट है ये 2002 से पहले तक, जब तक मैं BSL में ज्वाइन नहीं किया। फिर शनिवार को तो काली माँ के मंदिर में जाता था खन्नगर में, और संडे जो था संडे के दिन में राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाता था, रानीहट में है जुगलमुखी राधा मदन मोहन, तो बहुत ही सुंदर विग्रह, आज भी सुबह भी मैं दर्शन करके वहां पे आया हूँ, तो वहां में जाता था संडे में। तो देखिए मेरा भी वही, मैं तो ये जैसे हम सब मतलब इग्नोरेंट था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं सब भगवान के ही रूप हैं, जो ये जो लिखा गया ना यहाँ पे, सब भगवान के रूप हैं, तो सबको भगवान ये हम अगर उनको भक्ति करेंगे तो वही भगवान है। तो यही वाला जो मैं पढ़ा जब मैं, तो ये जो शुरू जो भगवद गीता, तो हमारे पीर पंकज ना प्रभु के संस्पर्श में जो मैं आया, उनका संग किया, फिर अमाई प्रभु के साथ वो साक्षात कराए, तो उनके प्रेरणा में मैं जब भगवद गीता का अध्ययन किया, तो जो सातवां श्लोक ये है, तो सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय में ये पूरा सीरीज में देते हैं, 20, 21, 22, 23, फिर 9 चैप्टर में देते हैं ना, 21, 20, 23, ये सब इसी के बारे में ही है, तब सब रिलेटेड है। तो इसमें पूरा क्लियर बता रहे हैं, और वो जो भगवान ने वो ये बात प्रूव करने के लिए अपने लीला में ही इसको शामिल कर दिया, जैसे जो सारे जो ब्रह्म विमोहन लीला है, फिर जो गोवर्धन लीला है, उसमें उन्होंने वो मैसेज क्या है, वही यही जो ये मैसेज जो भगवद गीता में दे रहे हैं, तो वही मैसेज, ये तो ये लीला सब हो चुका था तब तब ये ये वही बात इधर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भगवान ही भोक्ता रंग जब तक संग सर्वलोक महेश्वर, मतलब वही भक्ता है, वही भगवान है, जो मूर्ख आदमी है, जो मूढ़ है, जो मूढ़ स्थिति में है, वो उनको नहीं जान सकता है, ये पूरा क्लियरली बताएंगे। तो इसके उसी क्रम में ये जो जैसे ये अध्याय है, ये तो दिव्य ज्ञान हो, लेकिन उसमें भी ये वाला सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसको समझने के लिए भी वो ज्ञान होना जरूरी है, तो इसीलिए भगवान इधर उसके बारे में एक हिंट्स वाला श्लोक इधर ये दे रहे हैं। फिर बाकी तो उसका जो पूरा, जब आप जैसे वो जो गुण के बारे में, तो वो भी ये मैथमेटिक्स जैसा है, तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका एप्लीकेशन आ गया, 3 में आ गया, 4 में, फिर 14 अध्याय में पूरा त्रिगुणों योग वो एक चैप्टर है, वो मैथमेटिक्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है, अब उसको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये उसका जो एप्लीकेशन है वो तो आता रहेगा, इसलिए उसको थोड़ा भगवान हिंट्स में समझाए, प्रिलिमिनरी आइडिया दिए, फिर उसके बारे में जो उसी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, वो जो श्लोक अध्याय हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में उसका जो एप्लीकेशन है वही हमको उसका इंप्लीमेंट करके बताएं। तो ये है कांक्षति कर्मणा सिद्धि जजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुष लोके सर्व सिद्धिर भवति कर्मजा। तो इधर तो बहुत सारे जो आई थिंक इट इज, तो आई थिंक वर्ड तो इधर ये जो क्लास में ये जो हमारा परंपरा है उसमें तो यह नहीं बोलना चाहिए, तो प्रभुपाद महाराज यहाँ पे क्या बोले हैं वही बोला हूँ। देर इज ए ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड्स, देर इज ए मिसकंसेप्शन ये लोगों में है, तो प्रभुपाद महाराज उनके अनुभव से ये बता रहे हैं, देर इज ए ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड्स और डेमीगॉड्स ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। कि मैं जो बताया कि मेरा जो ये था पहले यहाँ किस कौर में आने से पहले, तो वही वाला प्रभुपाद इधर बता रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे जो भी उस स्तर में हैं, जो भी नियोफाइट हैं, जो भी पहली बार पढ़ेंगे, तो ये इसमें उनको डाउट संदेह जो है वो मोचन हो जाएगा। दैट इज ए ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड्स डेमी गॉड्स ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड एंड मेन ऑफ लेस इंटेलिजेंस, जो कि मूर्ख है, उसका मतलब ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, स्वल्प ज्ञान है उनका, उसका जो बुद्धि है वो इतना तेज नहीं है, वो हायर इंटेलिजेंट नहीं है, वो लेस इंटेलिजेंस है, तो वो क्या करेगा, ग्रेट स्कॉलर्स ऑल्दो उसका भौतिक ज्ञान बहुत है, हम देख रहे हैं कि समाज में आप देखिए भौतिक ज्ञान बहुत है, सभी भक्त हैं क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला उनको ये जो पढ़ेंगे ये तो भी ज्ञान है ना, तो इसको अगर पढ़ेंगे इसको समझेंगे, किसी गुरु साधु गुरु के किसी वैष्णव के कृपा होगी उनके ऊपर, किसी भक्त की कृपा होगी, तभी तो उनका हृदय में जो अंधकार है वो दूर हो पाएगा, लेकिन वो क्या है, वो जो एवोपमान मदोपमान, तो बोले कि जो जिसके पास बहुत सारे मेटेरियल क्वालिफिकेशंस आ जाएंगे, अपुलेंसेस आ जाएंगे, तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्ता, अरे मैं तो इसको सब पोजेस किया, मैं इतना परिश्रम करके ये किया, मैं मुझे मुझे अगर नहीं पता है कुछ तो मैं यहाँ इस स्तर पर कैसे पहुंचा, अपने आप से ही पूछता है, अपने आप से ही आंसर देता है और सेटिस्फाई रहता है, तो उसको बोला कि लेस इंटेलिजेंस ऑल्दो पासिंग ए ग्रेट स्कॉलर टेक दिस डेमिगॉड्स टू बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के सारे जो ये तो ये भगवान तो इसी रूप में है, भगवान तो इसी रूप में है, भगवान का ही रूप है ये, ऐसा नहीं, ये नहीं है कि उनको आप डिसरेस्पेक्ट करो, ये वाला जो प्रश्न है
मैं जैसे सार जो पीए पंकज ना प्रभु जो बोलते हैं कि सार जो बताया, सार ने हमको ये बताया, सार ने तो जो उनका मैं नाम इधर लूंगा कि वो है हमारे पूज्यपाद कृष्ण स्मरण दास, तभी थे, अभी तो महाराज बन गए हैं, तो उनका ये नाम मुझे पता नहीं है। तो कृष्ण स्मरण दास जो IIT के प्रोफेसर थे, तो वो एक दिन वो भुवनेश्वर में आए थे, वो उनके एक शिष्य थे आशीष प्रभु करके, तो सर ने हम सबको बुलाया था, तो मेरा भी बहुत ही सौभाग्य था कि मैं उनको दर्शन कर पाया, और वहीं पे मैं उनको प्रश्न भी किया था, तो इसी के बारे में, यही वाला श्लोक के बारे में, मतलब यही वाला डाउट मैं उनको पूछा था, तो मुझको पूरा क्लियरली बताया, तो मैं पूरा मतलब मेरा दिल को छू गया वो, कि बोले कि अच्छा देखिए जो जो कोई मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास सब है, सब मिनिस्ट्री वो अपने पास ले सकता है, लेकिन वो क्या किया है, वो एक एजुकेशन मिनिस्टर रखा है, एक फाइनेंस मिनिस्टर रखा है, एक डिफेंस मिनिस्टर रखा है, लेकिन वो सब क्या लिखा, वो एक मतलब पावर, एक ही पावर दे के उनको भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो भी वो कर सकता है। तो ऐसा ही मुझे समझा है, मैं जब मैं इधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, तो मुझे भी बहुत भक्ति का अनुभव होता है, मुझे भी उनसे बहुत आशीर्वाद मिलता है, ऐसा हालांकि मैं आप मतलब उनको बताया कि मैं कोई डिजायर के लिए नहीं जाता हूँ, कि मैं तब भी मैं मेरा स्वभाव ऐसा था कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं इनके पास जाता हूँ, ऐसा मेरा नहीं था, मैं उनको भी वही पता है कि मैं मुझे ये चाहिए, उनसे ये चाहिए इसलिए मैं जाता हूँ, ये भी मेरा भाव नहीं था, तब भी नहीं था, तो उनको भी क्लियर करना ठीक है। मतलब जैसे आप पूरा यही एग्जाम्पल दिया कि देखिए ये फैन का स्विच है, तो मैं खुद भी बंद कर सकता हूँ, मैं तुमको बोलूंगा तुम जाओ वो फैन का स्विच बंद कर लो, तो वो फैन का कंट्रोल अभी मैं तुमको दिया कि तुम बंद कर सकते हो ऑन कर सकते, तब क्या मैं खुद नहीं कर सकता क्या, मैं एम्पावर किया तो तुम गए, तो क्या मैं पूरा समझ गया, फिर मैंने बोला क्या ठीक है, मतलब इतने बड़े साधु महात्मा है, तो ये जो बात है दिल को छू गया मेरा, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ये जो बोल रहे हैं वही करना है, फिर भगवान की भक्ति करना है, तो भगवान ही मतलब उनका, फिर मैं पढ़ा एक 7.29.23 है, 9.23 में सबको बोलता हूँ, जैसे मैं बोला था पहले से गीता में हम जो शुरू कर रहे थे, तो बहुत सारे इनबॉक्स वाले हैं, तो जैसे यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र यज्ञ शिष्ट से सुनते मुच्यते सर्व किल विषयी भजन गुंजतम पापा जय पंचे पच्यंती आत्मकारणात्, ये जो श्लोक है बॉक्स वाले श्लोक है, जैसे सारे बहुत इंपोर्टेंट, सबसे अगर कौन सा पूछा जाए तो 4.9 है, जन्म कर्म चमे दिव्यो, हम बोल सकते हैं ये सब साधु गुरुओं ने बताया है, फिर बहुत सारे बॉक्स वाले हैं, तो ये बॉक्स वाला जो है 9.23 है, 7.20, ये सब बॉक्स वाले, इसको क्या, ये सिद्धांत है, तो इसके हिसाब से भक्त रिएक्ट करता है, भक्त जो बोलता है, भक्त के जो काम है आचरण अलग होता है इसी श्लोक के हिसाब से, तो इसको ध्यान में मतलब वो जैसे कोई बता दे आपको लेफ्ट में जाना है ट्रैफिक में, इंडिया में है कि आप लेफ्ट में जाए, आप जो किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे वहां पे कीप टू राइट है, तो वहां पे जाएंगे तो उसका नियम आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम जब चल रहे हैं रोड को निकल गए तो वो वाला माइंड में आ जाता है, तो इसलिए हम भौतिक ये जो शरीर हम प्राप्त किए, ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब हमारे माइंड में होता है, इसलिए वो एक्शन में वो हमको मतलब करना है, तो ये वाला वही श्लोक है, तो जो यह है ये भी रेड बॉक्स वाले जो बॉक्स फॉर्मूला है, तो ये ऐसा ही श्लोक के सीरीज में ये आते हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद महाराज क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी देवता गण हैं वो उनके अंश हैं, मतलब उनके वो उनका स्वरूप नहीं है, वो क्लियरली बता रहे हैं कि एक्चुअली नॉट फॉर्म्स ऑफ गॉड बट दे आर गॉड्स डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स, ये पार्ट उनके अंश हैं, जैसे जीव है तो ऐसे ही वो भी अंश हैं, तो जब गॉड इज वन, ही इज वन, तो उनको नित्य वेद से नित्य नित्य नाम, गॉड इज वन, ईश्वर परम कृष्ण, जैसे ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में ये गाया है, तो सुप्रीम गॉड इज वन कृष्ण एंड द डेमी गॉड्स आर डेलीगेटेड विथ पावर्स, डेलीगेटेड विथ पावर्स, देखिए जो जो हमको सर ने बताया था पूज्यपाद कृष्ण स्मरण दास, तो प्रभु जी ने तो क्या बताए थे, ये जो प्रभुपाद जी का वो पूरा अध्ययन करके पूरा अपने हार्ट में पूरा ये कर रहे थे, तो वो यही जो लाइन से जो बोल रहे थे उनके मुंह से जो निकल रहा था प्रभुपाद का परपट ही निकल रहा था, तो जैसे हमारे मेरे हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं आत्मनिधान स्वामी महाराज, वो भी जो बोलते हैं पूरा परपट से ही बोलते हैं, तो ये भवेश प्रभु है वो बोल रहा था कि मैं जाके गुरु महाराज जो बोल रहे थे मैं जाके वो जो परपट पढ़ा, तो पूरा लाइन बाय लाइन पूरा वो परपट से ही बोल रहे थे, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जो भी हमारे गुरु आचार्य जो बोले, तो ऐसे ही है अपने गुरु के वाक्य को पूरा मतलब अपने हृदय में धारण करे हुए हैं, मतलब वो जो धारण करेंगे वही तो उनसे मुंह से निकलेगा,
सुप्रीम गॉड इज वन कृष्ण एंड दिस डेमिगॉड्स आर ऑल लिविंग एंटिटीज विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल पावर। तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ, किसी को वर्षा के लिए दिया है इंद्र जी को, किसी को वायु के लिए दिया है, किसी को अग्नि के लिए दिए हैं, किसी को सृष्टि के लिए दिए हैं, तो ऐसा ऐसा पावर, किसी को एनिहिलेशन के लिए दिए हैं, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड करके पावर को उनको रखेंगे उनके मिनिस्ट्री में। तो जो ये व्यक्ति जो है, जो इनको ही भगवान मान लेता है तो उनको भी वो खराब लगता है। जैसे कोई आपका कोई मतलब किसी आदमी का कोई बड़ा भाई है तो उसको कोई आके बोलेगा ये आपके पिता हैं, हालांकि वो पिता ऐसा सम्मान उनको दे सकता है लेकिन वो पिता नहीं है, तो उनको भी खराब लगेगा। तो ऐसा ही बोला कि जो ऐसा समझता है, जो ऐसा बोलता है, जो ऐसा आचरण करता है, उसको क्या बोला गया है, उसको पाषाणी बोला गया है। ये वर्ड याद रखिए, जब भी कोई बोलेगा एथेइस्ट और पाषाणी, जो जैसे हमारे जो 10 नाम अपराध हैं उसमें जो दूसरा नाम अपराध है इसी में है कि ब्रह्मा आदि देव, ब्रह्मा शिव आदि देवता गणों को जो भगवान विष्णु के सहित समान और इनसे स्वतंत्र समझता है वो नाम अपराध करता है। मतलब वो जो अपराध है, यही अपराध है जो समझता है। तो जैसे हमारे गुरु वैष्णव ने उनको ये अपराधों में शामिल कर दिया है। तो ऐसा जो भक्त है जो आएगा उसका जो डेली उसको 10 नाम अपराध जो है उसको रिसाइट करता है तो उनको कभी भी ये अपराध में वो भागी नहीं होता है। तो उसका तो डाउट क्लियर हो जाता है कि भगवान भगवान है और जो सारे हैं उनके पार्ट एंड पार्सल से विथ डिफरेंट पावर्स, एम्पावर्ड पावर्स। डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा एंड शिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू सुप्रीम लॉर्ड, इनफैक्ट द लॉर्ड इज शिव बाय डेमिगॉड्स सच एज ब्रह्मा एंड शिव। तो ब्रह्मा जो शिव जी हैं तो कदाचित कालिंदी तटिपिन संगीत कराब मुदा भीरी ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति वीर, ये जो उनका कहला है सब गणेशार्चित पदों, तो सब उनके क्या करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कि ये बात बोला गया कि किसके चरण वंदना करते हैं, भगवान विष्णु के और श्री कृष्ण और जगन्नाथ जो भी। येट क्यूरियसली एनफ देयर आर मेनी ह्यूमन लीडर्स हु आर वर्शिप्ड बाय फुलिस मेन अंडर द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ जूमोर फोजिम। प्रभुपाद महाराज जो सारे जो मतलब उनका जो वोकैबुलरी पावर है आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और जूमोर्फिज्म, ये वाला जो है आप उसको गूगल करिए और फिर उसका जो मीनिंग है उसको आप ये करिए। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब वो उसको समझ नहीं पाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको उनका भ्रांत धारणा उनमें मन में रहता है, फिर उनको अन्य देवता जो है उनको वो भगवान मान के वो अपना जो कार्य है वो करते हैं। तो यहाँ पर बट नारायण विष्णु और कृष्ण सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉडहेड डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वो इस मर्त्य जो के मर्त्य लोक के नहीं है, वो तो दिव्य लोक के हैं, गोलक वृंदावन में है। तो उनका जो लीला है वो तो सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, वो कैसे आते हैं, अवतार कैसे लेते हैं, मतलब किस युग में कैसे कैसे आते हैं, असंख्य लीलाएं हैं, असंख्य अवतार हैं, तो आते हैं। लेकिन फुल जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो फुलिस है, जिसका युत ज्ञान है, तो वो क्या करता है, युत ज्ञान शब्द जो है ये प्रभुपाद महाराज आगे का जो अध्याय है उसमें से जो भगवान ने जो बोले हैं उससे ये शब्द लेते हैं, बिकॉज दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स। तो उनको क्या है मतलब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य वर्ग बताते हैं कि भगवान जो जो भगवान की भक्ति करता है तो उसको क्या देते हैं, जो भगवान विष्णु के भगवान कृष्ण के जो भजन करता है उसको क्या देते हैं, उसकी जो आवश्यकता है मतलब उसका जो नेसेसिटी है वो देते हैं, लेकिन उसका जो कामना है वो नहीं देते, कामना पूर्ति नहीं करते। लेकिन कामना अगर आपको पूर्ति करना है तो भागवतम में पूरा क्लियर दिखा कि किस कामना के लिए आपको किस डिवोटी किस देवता को अप्रोच करना है। तो ऐसे ऐसे करके लोग क्या करते हैं, उनको ही अप्रोच करते हैं। तो इसका जो ये जो श्लोक है इसको रिलेटेड है हम जो भी कांक्षति मतलब उनका जो वो जो डिजायर करते हैं मतलब उनका जो चाहिए वो उनका नेसेसिटी जो है उनका रिक्वायरमेंट है उनको वो पता नहीं है, लेकिन उनको क्या है उनको वो भी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा है जो चॉकलेट के लिए जिद करता है, आइसक्रीम के लिए जिद करता है, भले ही उसको सर्दी हो उसका बुखार हो लेकिन वो उसको उस उसका जो स्वाद है जो मुंह का जो स्वाद है जीभ का जो स्वाद है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है वो चॉकलेट और आइसक्रीम मांग करता है कि मुझे वो चाहिए, उसको वो चाहिए लेकिन उसका वो आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो ये भगवान ऐसे ही जो जीभ है जो जीभ को पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो वो क्या करता है सारे जो कामनाएं हैं जो कि उसको बंधन में डालेंगे उसको जीवन के लिए जो कि अत्यंत क्षतिकारक है वो उसी उसी प्रकार के इच्छाएं करता है अज्ञानता पूर्वक, इंद्रिय सुख को
आस्वादन करने के लिए, भोग को भोगने के लिए। लेकिन भगवान जो अगर भगवान की भक्ति वो करता है, जैसे भगवान के पास वो अप्रोच करता है, तो भगवान उसको वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो दयामय कृपामय है, सुहृद है, उनको पता है कि इसको अगर देंगे तो ये तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा, ये तो बंधन में आएगा, तो इसलिए वो उसको नहीं देते हैं। तो जो जीव है, जो अज्ञानी है, जो भगवान को अप्रोच किसी डिजायर के लिए वो अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे कह रहे हैं अरे नहीं नहीं वो मैं मेरे साथ भी ऐसे लोग थे वहां पे, हमारे कुछ कॉलिग्स थे, बोले नहीं नहीं उनको रहते, उनको कुछ देते नहीं है, वो तो कुछ ये देते नहीं है, वो बस जाओ ऐसा ये करो, कुछ फायदा नहीं। तो उनको क्या चाहिए? फायदा चाहिए। लेकिन जो भक्त है उसको फायदा नहीं चाहिए। जैसे कर्म और सेवा, इस दोनों में अंतर है। जो कर्म है उसके उसका फल है, लेकिन जो सेवा है उसका फल नहीं। जैसे कोई डिवोटी है तो वो जो मंदिर है उसको वो क्लीन करता है, तो उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो सेवा करता है भगवान के प्रसन्नता के लिए, तो वो सेवा में जाता है। तो भगवान इधर कुछ है, कोई भक्त हमको सेवा दिए हैं तो हम इसको करेंगे, जैसे भगवान के लिए उस भक्त सेवा देंगे, तो हमें उस मंदिर जो क्लीन किया, कोई सेवा कर दिया अच्छे से पूरा कर दिया, तो उसका डिजायर क्या रहता है? मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मुझे कोई अच्छा बोलेगा, मुझे मतलब उसका उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो व्यापारी नहीं है। लेकिन जो कर्मी व्यक्ति है उसको क्या चाहिए? उसको वो बोलेगा ठीक है आप ये थोड़ा ये क्लीन कर दो, वो क्लीन कर देगा तो बोलेगा कि रिजल्ट फायदा क्या है, मुझको मिलेगा क्या? इमीडिएटली वो क्वेश्चन करे, क्योंकि उसको बदले में कुछ चाहिए जो कि उसका आवश्यकता नहीं है, उसको उसका डिजायर। तो ऐसा ही है कि जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्लीज करने के लिए वो सेवा करते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये डिफरेंट है, डिफरेंस है। देखिए आज का टाइम तो हो गया, लेकिन ये जो हम आज राधाष्टमी था तो हम थोड़ा उनके ग्लोरिफिकेशन में थोड़े दो शब्द जो भगवान ने, जो हमारे गुरु आचार्य भगत ने लिखे हैं, तो हम उसको भी आस्वादन किए। अभी तो टाइम 8.4 ऑलरेडी हो गया, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही बड़ा है, तो इसका रेफरेंसेस बहुत हैं, तो शायद आज समय भी नहीं हो पाएगा, तो अगर कल हम ये करेंगे तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो हमारे कल अगर प्रिय प्रंतजना प्रभु अगर लेंगे क्लास तो उसको क्लैरिफाई करके समझाएंगे। तो मैं मोटा मोटी यहीं पे ये वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है, सबका अलग अलग सेवा है, आज वर्किंग डे है, तो इसका बहुत सारे रेफरेंस हैं, तो अगर मौका मिला तो हम बताएंगे, तो सर तो हैं वो भी बता सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।